हेलो एवरीवन, मैं सहजवीर संधू आपका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 8th के एमसीक्यू, जिसमें कि हम क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उन्हें डिस्कस करेंगे, देन उनके करेक्ट आंसर्स भी देखेंगे। सो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और मेरे आंसर बताने से पहले आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तभी तो पता चलेगा कि आपने इस चैप्टर को कैसे पढ़ा है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आवर क्वेश्चन नंबर 1st है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी हमें जो ये खाली ब्लैंक्स दिए गए हैं उन्हें फिल करना है। ए वाला कहता है डैश विंड्स कैरी वाटर एंड इट्स रेन, वो विंड्स जो वाटर कैरी करते हैं और बारिश होती है। दूसरा कहता है डैश एयर इज लाइटर देन डैश एयर, यानी कौन सी एयर लाइटर है यानी हल्की है कौन सी एयर से। तो मेरा आंसर देने से पहले आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए का द मॉनसून, ऑप्शन नंबर बी का वार्म एयर एंड कोल्ड एयर। ऑप्शन नंबर ए का रीजन है बिकॉज द मॉनसून विंड्स कैरी वाटर फ्रॉम ओशियन एंड दीज विंड्स रेन, क्योंकि जो मॉनसून विंड्स हैं वो वाटर कैरी करती हैं ओशियन से और फिर वो बाद में बारिश में बदल जाता है यानी रेन में। ऑप्शन नंबर बी कहता है बिकॉज द वार्म एयर इज लाइटर सो इट्स लाइटर देन कोल्ड एयर, यानी जो गर्म हवा होती है वार्म एयर होती है वो हल्की होती है बजाय कि कोल्ड एयर से यानी ठंडी हवा से। कोल्ड एयर मैंने ठंडी हवा, वार्म एयर मैंने गर्म हवा। ये आप इसे अंडरस्टैंड कर लीजिए क्योंकि ये ज़्यादातर टेस्ट या पेपर्स में मेनली पूछा जा सकता है कि कौन सी हवा किस से लाइटर होती है या कौन सी हवा किस से हैवी होती है। और ये हो गए इसके करेक्ट आंसर्स। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 विच सेज द वर्ड मॉनसून इज डिलीवर्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम, विच मीन्स जो वर्ड मॉनसून है वो कहाँ से आया है, अरेबिक से आया है, अरेबिक का है ये, जिसे हम मौसम के नाम से जानते हैं। लेकिन मौसम का क्या मतलब होता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है ओशियन समुद्र, ऑप्शन नंबर बी कहता है मॉनसून यानी मॉनसून, ऑप्शन नंबर सी कहता है सीजन, ऑप्शन नंबर डी कहता है मौसम। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सीजन। इसका रीज़न ये है बिकॉज मॉनसून वर्ड कम्स फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन, दैट्स वाई मॉनसून इज अ सीजन, क्योंकि जो मॉनसून वर्ड है वो कहाँ से आया है, अरेबिक से आया है, अरेबिक का एक वर्ड है वो मौसम, और मौसम का मतलब होता है सीजन। तो इसीलिए अगर हम देखें गौर फरमाएं तो मॉनसून एक सीजन भी है हमारा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 सेज व्हाट इज अ साइक्लोन, साइक्लोन क्या है? यही तो आपका बेसिक है चैप्टर में, इसी पे चैप्टर पूरा डिपेंड है आपका, सो आपको ये पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है थंडरस्टॉर्म बिकम्स साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म साइक्लोन बनता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है लाइट बिकम साइक्लोन, यानी जो लाइट है वो साइक्लोन बनता है, यानी साइक्लोन जो है वो लाइट से बनता है। सी कहता है ग्राउंड ग्रास बिकम साइक्लोन, जो हमारे ग्राउंड वगैरह पार्क वगैरह की घास फूस होती हैं, घास होती हैं वो साइक्लोन बनाता है यानी उससे साइक्लोन बनता है। या डी ऑप्शन है चॉकलेट केक बिकम साइक्लोन, यानी चॉकलेट का जो केक होता है उससे साइक्लोन बनता है। बेसिकली ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर को अंडरस्टैंड किया होगा तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि इस पर पूरा चैप्टर स्टैंड्स करता है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए थंडरस्टॉर्म्स बिकम साइक्लोन। इसका रीज़न है बिकॉज साइक्लोन इज मेड अप ऑफ बिग थंडर मीन्स थंडरस्टॉर्म, क्योंकि जो साइक्लोन होता है वो बड़ा तूफान होता है। साइक्लोन बेसिकली मीन्स बिग थंडरस्टॉर्म, तो थंडरस्टॉर्म वर्ड तो यूज़ हो गया, यानी जो बड़ा सारा थंडरस्टॉर्म होगा वही साइक्लोन को क्रिएट करता है, और साइक्लोन ही इस पूरे चैप्टर का बेसिक पार्ट है जिस पे डिपेंड है ये चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 4th सेज व्हाट इज अ आई, आई यहाँ पर आँख वाली आई की बात नहीं हो रही है जो हमारे ह्यूमन बॉडी में होती है, हमारी फेस पे होती है ना दो आईज, वो आई नहीं, यहाँ पर साइक्लोन से रिलेटेड आई की बात हो रही है।
सो ऑप्शन नंबर ए द साइड ऑफ साइक्लोन, एक साइक्लोन की एक छोटे से साइड को आई कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो सेंटर होता है साइक्लोन का उससे आई कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी द ऑब्जेक्ट केम नियर साइक्लोन, जो ऑब्जेक्ट साइक्लोन के नज़दीक आता है उसे हम कहते हैं आई, या डी ऑप्शन कहता है हमारा द ओशियन वाटर, यानी जो डी ऑप्शन है वो कहता है द ओशियन वाटर यानी समुंदर का पानी। सो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, ये आई हमारी ह्यूमन बॉडी वाली आई नहीं है, ये साइक्लोन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे साइक्लोन एक बिग थंडर स्टॉर्म का रूप होता है जिसे हम साइक्लोन कहते हैं, जिसकी भी मैंने आपको डेफिनेशन वगैरह सब कुछ बताई कि एक बड़ा सा थंडर स्टॉर्म जब आएगा तो उसे हम साइक्लोन कहते हैं, अगर नॉर्मल थंडर स्टॉर्म होगा तो उसे हम साइक्लोन नहीं बोलेंगे। अगर एक बहुत ज़्यादा बड़ा थंडर स्टॉर्म यानी बहुत ज़्यादा बड़ा तूफान आएगा उसको हम साइक्लोन कहते हैं, नहीं तो छोटे मोटे तूफान तो आते ही रहते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द सेंटर ऑफ साइक्लोन, जो साइक्लोन होता है उसके जो सेंटर का पोजिशन होता है उसे हम कहते हैं आई ऑफ साइक्लोन। हम नॉर्मल आई भी कहते हैं लेकिन नॉर्मल आई से कन्फ्यूज़ हो जाता है, इसीलिए हम सेंटर ऑफ साइक्लोन कहते हैं। रीज़न है इसका बिकॉज साइक्लोन इज मेड अप ऑफ थंडर स्टॉर्म, ये तो आपको पता ही है थंडर स्टॉर्म से साइक्लोन बना होता है, सो इट्स सेंटर इज मेड अप एंड वी नो इट्स एज आई, उसका सेंटर को हम आई के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सेज विच ऑफ दीज इज अनदर नेम ऑफ साइक्लोन, इनमें से कौन सा नेम साइक्लोन के बारे में जानते हैं, यानी जैसे कि अगर हम कोई चीज़ ले लें तो उसके बहुत सारे अलग नेम होते हैं, जैसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं तो वो आपको बताना है, पर्यायवाची हम हिंदी में कहते हैं यहाँ पर आपको इंग्लिश में बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज आई और टायरकोंडो, ऑप्शन नंबर बी हॉरिकेन आई, ऑप्शन नंबर सी कहता है हमारा साइक्लोन ओनली, यानी उसका कोई और नाम ही नहीं है, बस उसे साइक्लोन के नाम से जानते हैं, ये आई टारकंडा हॉरिजन ये कुछ भी नहीं है उसका। ऑप्शन नंबर डी है टारकंडो एंड हॉरिकेन। आई के बारे में तो मैंने आपको जस्ट फोर्थ क्वेश्चन में बताया, सो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट, टारकंडो एंड हॉरिकेन। रीज़न है बिकॉज इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात हो रही है यहाँ पर, वहाँ पर साइक्लोन को हॉरिकेन कहते हैं, यानी साइक्लोन इज नोन एज हॉरिकेन एंड इन जापान इट्स नोन एज टाइफून, यानी जापान में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। इसे आप पूरा याद कर लें, अंडरस्टैंड कर लें इसे आप, क्योंकि ये तो बेसिकली पेपर्स में आएगा ही कि आपसे पूछा जाएगा इस क्वेश्चन के बारे में, तो 100%। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट सब्जेक्ट के क्लास 7 CBSE NCERT बोर्ड्स के MCQs के साथ, तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।